भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनेक उपदेश दिए हैं। गीता से मिलने वाला ज्ञान आज भी हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में उपयोगी पड़ता है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन कमजोर पड़ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। गीता में भगवान ने बताया था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं उनकी गणना पुण्य में होती है, और जो हम गलत कार्य करते हैं उनकी गणना पापों में होती है। किंतु यदि धर्म को बचाने के लिए कुछ गलत करना पड़े तो उसे पाप नहीं कहा जा सकता, किंतु अपने स्वार्थ के लिए यदि कुछ गलत किया जाए तो उसे महापाप कहा जाता है। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वो है भ्रूण हत्या। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्रों का वध कर दिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि उस वक्त वो युद्ध भूमि में नहीं थे, वो अपने कक्ष में सो रहे थे। वहां जाकर अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्रों का वध कर दिया। ये बहुत ही भयानक था, किंतु इससे भी भयानक कार्य अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसकी हत्या कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र रोकने के लिए कहा था, किंतु अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण की एक नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उसी समय ये घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या कर दी थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा मणि छीन लिया और श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा, तो ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता हूँ। तुमने जन्म तो देखा है किंतु तुम मृत्यु नहीं देख पाओगे। समय के अंत तक धरती के कोने कोने में भटकते रहोगे अश्वत्थामा, अर्थात जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। कोई तुम्हारे निकट नहीं आएगा, तुम्हारे शरीर का एक एक अंग गलेगा, तुम अज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे, प्रतीक्षण ईश्वर से मृत्यु की भीख मांगोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी अश्वत्थामा। भ्रूण हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है, और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए कभी भी भ्रूण हत्या मत करो। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। बच्चे तो भगवान का अवतार होते हैं, उन्हें मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जय श्री कृष्ण।